गुड मॉर्निंग क्लासेस। ये हमारा आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसमें आप ऑनलाइन क्लासों से हमसे जुड़े हुए हैं। आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडोली और हिम्मत नगर, सभी बच्चों का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने धैर्य और संयम से अपने इस महामारी के दौरान अपने आप को घर में रोक के रखा, बधाई के पात्र है। दूसरा बधाई के पात्र हमारा यूपी बोर्ड इलाहाबाद, हमारे डीआईएस महोदय सहारनपुर के और हमारे विद्यालय प्रशासन, ये सब बधाई के पात्र हैं। इन्होंने हिंदी मीडियम के बच्चों को घर में रहते हुए इस ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ दिया। आज हम 9th, 10th, 11th और 12th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सब बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर में टेंस का परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको लेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट इन्हीं क्लासों के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्हीं क्लासों के लिए पढ़ाया है। टेंस कभी बदलते नहीं हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया, और प्रेजेंट मानी वर्तमान में। यदि कोई काम वर्तमान में कंप्लीट हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। पहचान क्या होगी कि इसमें क्रिया में चुकरा शब्द लगा होगा और है शब्द लगा है। चुकरा शब्द बताता है कि परफेक्ट होगा और है शब्द बताता है कि ये प्रेजेंट में हुआ हो। दूसरा, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें 3 हैं शब्द और इसमें 4 हैं। ये एक वचन सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए है, बहुवचन, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। हैज के बाद नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और हैव के बाद नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो पहला सेंटेंस हमने लिया है सिंपल, राघव बाजार से आम ला चुका है। चुका शब्द बताता है ये परफेक्ट का होगा और है शब्द बताता है ये प्रेजेंट का होगा। काम करने वाला या लाने वाला कौन है? राघव। तो इसे हम सब्जेक्ट में लेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ हम है या है दोनों में से किसी एक का भी यूज करेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और आदर्श जो भी रह गया उसे बाद में लिखेंगे। अब फार्मूले के अनुसार अगर हम फिट करें तो सब्जेक्ट में राघव आता है, हैज एक वचन के लिए आता है, ब्राउट ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, द मैंगोज फ्रॉम मार्केट ये ऑब्जेक्ट रह गया आदर्श में। तो इस तरीके से सिंपल हमारा सेंटेंस हुआ कि राघव बाजार से आम ला चुका है बताता है ये प्रेजेंट होगा और चुका बताता है कि ये परफेक्ट होगा। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव मींस काम का ना होना। राघव बाजार से आम इसमें लाता था और इसमें नहीं ला चुका है। नहीं शब्द आते ही हम इसे नेगेटिव नोट में लेंगे। चुका बताता है कि ये परफेक्ट है और है बताता है कि प्रेजेंट है। सब्जेक्ट काम करने वाला बंदा पहले रखेंगे तो ये फार्मूले में पहले आएगा। हैज क्योंकि एक वचन है, हैव अगर बहुवचन होता तो रखते नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स लिखेंगे। फार्मूले पे अगर हम फिट करें तो राघव को पहले लेंगे, उसके बाद हैज नॉट, ब्राउट ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है लाने के लिए, द मैंगोज फ्रॉम मार्केट पहले भी जैसा था और अब भी बिल्कुल वैसा ही उतार देंगे, तो ये नेगेटिव हमारा बन जाएगा। अब आता है इंट्रोगेटिव। इसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है इसे हम पहले ले लेंगे, लेकिन तब जब किसी सेंटेंस में शुरू में क्या शब्द लगा हो। क्या के लिए व्हाट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेते हैं। एक वचन बहुवचन के अनुसार इसमें से हैज ले लिया, सब्जेक्ट जिसने काम किया है उसे ले लिया राघव को, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्राउट है, और बाकी सब पहले जैसा ही, द मैंगोज फ्रॉम मार्केट, द मैंगोज फ्रॉम मार्केट, द मैंगोज फ्रॉम मार्केट। तो इस तरीके से हमारे 3 सेंटेंस बन के तैयार हो जाते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th इन तीनों के लिए इंग्लिश ग्रामर में टेंस की आज ये तीसरी श्रृंखला, तीसरा नंबर का टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट बताता है कि ये वर्तमान समय में काम हो रहा है, परफेक्ट बताता है कि काम हो चुका है, राघव के द्वारा बाजार से आम लाए जा चुके हैं। पहचान में क्रिया में चुका शब्द आता है और है शब्द आता है, हैज एक वचन के लिए और है बहुवचन के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। हैज के साथ नॉट लगेगा निगेटिव के लिए और हैव के साथ नॉट लगेगा बहुवचन में निगेटिव के लिए। तो इस तरीके से 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे इसे
अपने फेयर रजिस्टर में उतार के अगर कोई परेशानी होती है तो हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। घर में रहिए और खुश रहिए, हमसे जुड़े रहिए। दैट्स ऑल।